नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है अभी सभी किसान भाइयों का खेती की जानकारी यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, पौधे के जो आकार है उसके लिए सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है थिप्स को, क्योंकि थिप्स जब तक रहेंगे पौधे के आकार को बनने ही नहीं देंगे। होता क्या है कि उसके द्वारा जो भी भोजन बनाया जाता है पौधे का, वो थिप्स खा जाते हैं। तो किसान भाइयों, आज का ये वीडियो भी इसी के ऊपर है कि जो प्याज के जो थिप्स है वो किस प्रकार से कंट्रोल करें। तो इस हम हर विषय पर बात करेंगे किसान भाइयों। अगर भी वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो किसान भाइयों देखिए, जब भी आप थिप्स के लिए दवाई का स्प्रे करें तो आपको है ना सूखे में दवाई का प्रयोग नहीं की करना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ किसान भाइयों। उसके कारण क्या है कि हमारे फसलों में है ना उसका सही रिजल्ट नहीं मिल पाता, उसका कारण देख लीजिए आप। क्योंकि जो पौधे में जो दवाइयाँ जाती है किसान भाइयों, वो फ्लोएम की क्रिया के द्वारा जाती है। फ्लोएम की क्रिया क्या होती है, देखो जाइलम और फ्लोएम दो ही बता देता हूँ मैं। जो भी हम खाद पानी जो देते हैं, नीचे से खाद देते हो, जो हमारे पौधे ग्रहण करते हैं ज़मीन से, वो होती है जाइलम की क्रिया। और फ्लोएम की क्रिया क्या होती है, जैसे आपने दवाई डाली और इस पत्ती पर गिरी और इसको पूरे पौधे में ले जाने का जो काम करती है वो होती है फ्लोएम की क्रिया। और फ्लोएम की क्रिया के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन बनाते हैं। और चार तत्व प्रमुख होते हैं उसमें, एक तो प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और एक क्लोरोफिल, और एक सबसे महत्वपूर्ण होता है जल। तो इन चार माध्यमों से फ्लोएम की क्रिया भी होती है। और हमारी थिप्स क्या करते हैं, इस ये जो क्लोरोफिल जो तत्व है, चार प्रमुख तत्वों में से एक तत्व, उसी क्लोरोफिल को खाते हैं। और उसके कारण क्या होता है, पूरा पौधा है ना वो सफ़ेद होने लगता है। आपने देखा होगा थिप्स का ज़्यादा प्रकोप होकर होता है तो वो क्या होता है, क्लोरोफिल को खा जाते हैं। और भोजन की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण से वो बंद हो जाती है। और उसके कारण क्या है, हमारे पौधे के जो साइज है, जो पौधे के नीचे का जो कंद है वो छोटा रह जाता है। तो किसान भाइयों, इस बात का आप ध्यान रखना कि जब भी आप दवाई का स्प्रे करें थिप्स के लिए, प्रकोप के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो आपको है ना सिंचाई करना है। सिंचाई करने के बाद में यही होता है कि क्योंकि होता है क्या है कि जैसे सिंचाई करेंगे आप, तो वो क्रिया है क्या, सेल होती है ना, उसमें पानी है ना तेज़ गति से इधर उधर भागता है पौधे में। तो आपने देखा होगा एक अलग सा पंच आ जाता है, क्लोरोफिल बढ़ जाता है, ग्रीननेस आ जाती है पौधे में सिंचाई करने के बाद में। उसका कारण ही आता है वो, क्योंकि वो लास्ट के छोर तक पानी को पहुँचाता है। तो जैसे आप उसमें दवाई डालेंगे तो वो पानी के साथ में घुल करके पूरे पौधे में फैल जाएगी। तो उससे क्या होगा, पूरे पौधे में फैल जाएगी, तो थिप्स जैसे ही उसको लेगी, उसको चूसेगी, तो उसके साथ में वो क्लोरो वो है ना पूरी सा उसी के साथ में वो केमिकल्स जो हम डालेंगे वो उसके साथ में थिप्स के अंदर चला जाएगा और थिप्स कंट्रोल हो जाता है। तो किसान भाई, ये तो मैंने बताया आपको तरीका कि किस प्रकार से दवाई हमारे पौधे में जा करके थिप्स तक पहुँचती है। तो ये एक अवस्था है किसान भाइयों, इसको आप अवस्था मान लीजिए, उसी के बाद ही दवाई ने थिप्स कंट्रोल होगी और दवाई काम करेगी। जैसे लोहे को क्या है कि गर्म कर किया जाता है उसको ढाल देने के लिए, तो उसको अवस्था में ले जाया जाता है गर्म करके। तो ऐसे ही मान लीजिए आप किसान भाइयों कुछ, तो वो है ना सिंचाई आपको करने के बाद में ही थिप्स का दवाई का स्प्रे करना है। अब बात कर लेते हैं दवाई की। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपके पौधे में कम थिप्स है तो आप उसमें कोई सी भी दवाई डाल सकते हैं। आप प्रोफेनो सुपर डाल लीजिए, ये आप उसमें लेबड़ा साइलोथिन डाल लीजिए, आप कोई सा भी डाल लीजिए, अगर आपका कंट्रोल हो जाता है। पर बहुत सारे किसान भाइयों क्या क्या है कि कंट्रोल नहीं होता है। तो कंट्रोल नहीं होता है तो उसके लिए आप क्या कीजिए किसान भाइयों, जैसे आपने इसमें मान लीजिए कि इमिडा क्लोरोपिट का स्प्रे किया है, तो उससे क्या होगा, जैसे आपने एक बार में स्प्रे किया है तो आपको उसको बैक टू बैक 2 दिन बाद में वापस करना है उसको। वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्यों करना है। जैसे आपने उसमें दवाई डाली तो उसमें होता क्या है कि जो एडल्ट अवस्था के जो थिप्स रहते हैं उसमें छोटे मोटे थिप्स तो कंट्रोल हो जाते हैं, पर बड़े कुछ थिप्स है वो रह जाते हैं। तो उसके बाद में क्या है कि वो क्या है कि हमारे जो दवाई डालते हैं उसके उसको लेने के बाद में घायल अवस्था में ज़रूर पहुंच जाता है। और जैसे ही उसको आप 2 दिन बाद में अवस्था में उसमें तुरंत स्प्रे करेंगे तो वो उस घायल अवस्था से उसको जैसे उसको खाने के लिए तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो वो जैसे ही उस दवाई को लेगा तो वो तुरंत मर जाएगा। तो उसको हमने को क्या है कि तुरंत बैक टू बैक उसमें स्प्रे करना है। तो अगर किसान भाइयों इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो ज़रूर थिप्स कंट्रोल होगा। और अगर आपके इसमें थिप्स ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप उसमें क्या कीजिए कि इमिडा क्लोरोपिट लीजिए, फिप्रोनिल लीजिए। और ज़रूरत से ज़्यादा ही है तो उसमें क्या कीजिए, 17% इमिडा क्लोरोपिट को छोड़ करके आप सीधे 70% इमिडा क्लोरोपिट आता है। कुछ टेक्निकल्स आते हैं, कुछ टेक्निकल नहीं कुछ नाम बता देता हूँ आपको। टेक्निकल तो वही आता है इमिडा क्लोरोपिट और फिप्रोनिल 70%। उसमें आप सल्फर मिल्स का प्रोंटो ले लीजिए, एक बायर का जंप आता है ये ले लीजिए। तो उसके कारण क्या है कि वो हैवी डोज हो जाएगा थिप्स के लिए, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी कंट्रोल करने के लिए आपको दवाई डालनी है वो सिंचाई के बाद में डालनी है किसान भाइयों। तो अगर आपके इसमें ज़रूरत से ज़्यादा थिप्स है तो आप सीधा 70% फिप्रोनिल पे जाइए। आप यहाँ पर पैसा खर्च मत कीजिए छोटी जो कम केमिकल से, कम डोज वाले केमिकल से, मतलब हैवी डोज नहीं है जिनका,
तो उस पे चले जाइए, आप तो कंट्रोल करेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे कि उसमें जितना समय देंगे आपको उसमें उतना नुकसान होएगा। वो ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफिल खाएगा तो वो हमारे पौधे को ज़्यादा मात्रा में डैमेज करेगा। तो जैसे ही थिप्स की शुरुआत होती है उस समय पर हमें कंट्रोल करते रहना चाहिए किसान भाइयों, ताकि वो क्या है कि ज़्यादा मात्रा में बढ़े नहीं और आपको तान नहीं देना है। एक बात का ध्यान रखिए, आप जैसे ही तान दोगे ना तो थिप्स ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्या है कि वो एनर्जी बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और इधर से वो क्या है कि भोजन को खाने लग जाते हैं थिप्स, तो पौधा ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो तान मत दीजिए आप, थिप्स है आपके इसमें तो समय समय पर नियमित रखिए उसको सिंचाई को, ज़्यादा तान नहीं देना है ताकि उससे क्या है कि थिप्स बढ़े नहीं। अगर आपने ज़्यादा तान दी तो वो थिप्स का प्रकोप बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पौधा क्या है कि उसके बाद में क्या है कि वो उस प्रिपेयर नहीं रहता है उस अवस्था को झेलने के लिए, मतलब थिप्स से लड़ने के लिए हमारा पौधा है वो क्या है कि प्रिपेयर नहीं रहता है, तैयार नहीं होता है। अगर आपने उसमें तान दे दी तो आपको सिंचाई नियमित रखना है किसान भाइयों, और दवाई का स्प्रे सिंचाई के बाद में करना है, और केमिकल्स को बदलते रहना चाहिए। उसमें केमिकल्स बदलते रहते हैं तो क्या है कि वो रेजिस्टेंट पावर एक जो कीड़े का होता है वो अगर बदल जाता है केमिकल्स, तो वो क्या है कि दो केमिकल्स को वो क्या है कि रजिस्टर्ड नहीं कर पाता है तो वो कंट्रोल हो जाता है। तो आप जैसे आप आज इसमें आपने कोई थिप्स का स्प्रे किया है तो उसमें दूसरे थिप्स में आपको क्या है कि उसका जो केमिकल्स है वो चेंज करना है, तो उससे क्या है कि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार की जानकारी आप आगे भी चाहते हैं तो आप चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, और घंटी का बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन के रूप में वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की कुछ नई महत्वपूर्ण और अनुभवी जानकारी के साथ में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।